राजस्थान में उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही पार्टी में नेताओं के बगावती रुख भी सामने आने लगे हैं। टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं ने टिकट न मिलने पर बगावत करनी शुरू कर दी। एक तरफ सलुम्बर से टिकट की चाह रखने वाले नरेंद्र मीणा टिकट न मिलने पर पार्टी बैठक में फूट फूट कर रोते नजर आए, तो कुछ जगहों पर नेता पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रहे बबलू चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल शनिवार को जिन 6 सीटों पर बीजेपी ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें दौसा, झुंझुनू, रामगढ़, देवली, उनियारा, खींवसर और सलुम्बर सीट है। झुंझुनू सीट से बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। भांबू ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। माना जाता है कि पार्टी से बगावत करने के बाद भांबू की वजह से ही बीजेपी प्रत्याशी बबलू चौधरी को विधानसभा के चुनाव के समय झुंझुनू से हार का सामना करना पड़ा था। अब जब राजेंद्र भांबू को बीजेपी ने उपचुनाव में झुंझुनू से उम्मीदवार बनाया है, तो जिले में एक बार फिर से बगावत देखने को मिली। विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी के टिकट पर हारने वाले बबलू चौधरी उपचुनाव में फिर से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि अब टिकट न मिलने से उन्होंने बीजेपी से बगावत का ऐलान कर दिया है। बबलू ने कहा कि राजेंद्र भांबू को टिकट देने से न केवल उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं, बल्कि 100 से ज्यादा बूथ अध्यक्ष, प्रभारी और सुल्ताना मंडल की पूरी कार्यकारिणी ने अपने इस्तीफे पार्टी के पास भिजवा दिए। इसके साथ ही बबलू चौधरी ने बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो 23 अक्टूबर को हजारों लोगों की सभा करने के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी प्रत्याशी रहे नीतीश कुमार उर्फ बबलू को 2023 के चुनाव में 57,010 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र भांबू ने 41,855 वोट हासिल किए थे, जबकि 84,582 वोट पाकर कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह ओला ने जीत दर्ज की थी।